सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे एक न्यू स्टोरी, राइट। लेकिन उससे पहले हमने जो थोड़ा हमारा पेंडिंग वर्क था, जो रह गया था, उसे हम थोड़ा पूरा कर लेते हैं, राइट। तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, वी हैव जस्ट फिनिश्ड अप टू हियर, हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, राइट। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, राइट। सो प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर, आपको ये गेम खेलना है अपने किसी दोस्त के साथ। अभी देखो दोस्त तो कोरोना टाइम में आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप अपनी मम्मी या फिर पापा या फिर भाई बहन के साथ ये गेम खेलेंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लोज योर आइज, अपनी आँखें बंद रखनी है, और सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, राइट, दिस वन, ठीक है। तो ये एक आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ये लाइन पढ़नी है, टिक टैक टॉय राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे ये रिसाइट करते जानी है ये वाली पोएम, टिक टैक टॉय राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस, राइट। उसके बाद आपको फिंगर इस पूरे जो इस सर्कल आप लोग बना रहे हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगानी है, और जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो जो लेटर आया है उसकी बिगनिंग का जो भी चीज़ है वो आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, फर्स्ट आई हैव क्लोज माई आइज, राइट। तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं और अब मैं करती हूँ, टिक टैक टॉय राउंड आई गो, If I miss, I'll take this. So I will open my eyes. Okay. So I will open. It's O. So I'll take a fruit. So today I'll eat some sort of fruit. So which? आज मैं कोई एक फल खाऊंगी. कौन सा फल खाऊंगी? Okay. आज मैं अनार खाऊंगी. Right? Pomegranate. Right? तो इस तरह से आपको खेलना है ये वाला गेम। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोग एक ए फोर साइज शीट लोगे, राइट। एक ए फोर साइज शीट लेने के बाद यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर ऑन दैट, आपको ये वाली जो ड्राइंग है वो उस वाले शीट पर बनानी है और इसे कलर करना है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, ए मीन्स समथिंग टू ईट, एम अ स्विंग फ्रॉम अ ट्री। वैसे भी आज तीज है, आई डोंट नो यू पीपल सेलिब्रेट इट और नॉट, तो झूला झूलते हैं ना सावन में, तीज में, तो दैट यू हैव टू डू, ओके। नेक्स्ट, टीम टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप, ओके, और क्ले ग्रुप। उसके बाद आपको क्या करना है, क्ले लेनी है, वेट क्ले लेनी है, और मैच स्टिक की हेल्प से अपने जो क्ले ग्रुप बनाया है उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब उसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में या फिर आज और अदरवाइज टुमोरो मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पे भी क्ले कैसे बना सकते हैं, बिकॉज कोरोना टाइम में आपको क्ले अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज बाहर जाना इज़ नॉट सो सेफ। तो अगर हम घर की जो चीज़ें हैं उससे भी तो क्ले बना सकते हैं ना, राइट। तो हम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अदरवाइज अप टू इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग तक मैं आपको बताऊंगी कि क्ले कैसे बनाते हैं, राइट बच्चों। तो आपको करना क्या है, क्ले लेनी है, क्ले से फिर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका नाम लिखना है, जो सॉरी फैमिली मेम्बर्स नहीं, आपके जो क्लब मेम्बर्स हैं जो आप क्लब बनाओगे, राइट। नेक्स्ट थिंग, फन टाइम, ओके। नेक्स्ट इज फन टाइम, हैव फन विथ क्ले। आपको क्ले लेनी है, रोलिंग पिन, रोलिंग पिन होता है आपका बेलन, जिससे आप गोल गोल रोटियां बनाते हो ना, वो होता है आपका रोलिंग पिन। उससे आपको गोल गोल रोटी इडली शेप बनानी है, और ये देखिए इसने कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई है, राइट, ऐसे स्माइली बना दी है, उसके बाद देखिए ये बना दिया है, फिर एक गर्ल भी बना दी है। तो ये सब आप बनाओगे न्यू न्यू डिज़ाइंस। अब इनका करोगे कि आप बनाने के बाद एक सील वाली पॉलिथीन आती है वो लेंगे आप लोग, राइट।
तो सील वाली पॉलीथीन लेने के बाद उसे आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, अदरवाइज अपने पास रखेंगे, ठीक है? वो आपके पास होनी चाहिए। व्हेन स्कूल विल ओपन वी विल बी सीइंग इट, ओके? सैड फेस बना सकते हो आप, स्माइली बना सकते हो, राइट? नेक्स्ट, तो सॉरी बच्चों, टुडे दिस पोएम वी विल रिसाइट एंड आफ्टर दिस पोएम फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दैट पार्ट, बिकॉज दिस क्लास विल गेट लेंथी अदरवाइज, क्योंकि अगर हम वो स्टोरी भी करने लग गए तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ओके? और आपकी आइज भी स्ट्रेन पड़ेगा तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो फ़ोन को कम टाइम दिया कीजिए, ओके? नाउ इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट, तो इस सॉन्ग है, आई विल सिंग फॉर यू एंड देन यू हैव टू सिंग फॉर मी, ऑब्वियसली यू हैव टू सेंड मी द ऑडियो ऑफ योर सॉन्ग और यू कैन सेंड द वीडियो। लेट मी स्टार्ट। इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड, इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, if you happy and you know, if you really want to show, clap your hands, right? इस तरह से आप करेंगे, you have to listen to me and then आप एक वीडियो या ऑडियो मुझे बनाकर भेजेंगे, right? So let me start. If you happy and you know, clap your hands, if you happy and you know, clap your hands, if you happy and you know, if you really want to show, clap your hands, if you happy and you know, clap your hands, right? इस तरह से आप इस पोएम को, पूरी पोएम को रिसाइट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये बोलती है छोटी लड़की कि अगर आप हैप्पी हैं और आपको ये पता है तो आप अपने क्लैप कीजिए हैंड्स को, राइट? ताली बजाइए। नेक्स्ट, इफ यू हैप्पी एंड यू नो नोड यू हैड, इफ यू हैप्पी एंड यू नो नोड यू हैड, if you're happy and you know, if you really want to show, nod your head, if you're happy and you know, stamp your feet, if you're happy and you know, stamp your feet, if you're happy and you know, if you really want to show, stamp your feet, if you're happy and you know, say ha 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 ha, if you're happy and you know, say ha 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 ha, if you're happy and you know, if you really want to show, say ha 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 ha, if you're happy and you know, do all the four. So you have to do all the four: clap your hand, nod your head, stamp your foot. So you have to do this poem, you have to send me the video part, because you have to do the action and then send me the video of this poem. आपको करना क्या है, ये जो पोएम है इसकी मुझे वीडियो बनाकर एक्शन करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, आफ्टर सेइंग दिस क्लैप योर हैंड्स यू हैव टू क्लैप टू और थ्री टाइम्स, क्लैप योर हैंड्स, इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, राइट? आफ्टर दैट, आफ्टर क्लैपिंग दैट पर्सन, दैट गर्ल यूज टू से दैट नॉड योर हैड, ऐसे अपना असर नोट करते हैं ना, हिलाते हैं, तो आपको हिलाना है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टैम्प योर फीट्स, ऐसे पैरों को धम धम करके बजाते हैं ना, तो वो करना है आपको। नेक्स्ट से हा हा, एंड आफ्टर दैट लास्टली यू हैव टू डू ऑल द फोर, ओके? नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। वॉन सन man day, right? You have to practice in your textbook. Next do win, tomorrow we will be doing this win, okay? Or on Saturday we will be doing, because Saturday is fun day, so we will start with this story, right? So थैंक यू क्लास, आपको ये सारा जो भी काम मैंने दिया है, एक बार मैं, आप चाहो तो मैं रिवाइंड करा देती हूँ और उसके बाद आपको ये सारा काम करना है, ओके? नेक्स्ट, फर्स्टली आपको ए फोर साइज में ये बनाना है एंड देन प्ले दिस गेम विथ योर फैमिली, ऑब्वियसली इन कोरोना टाइम यू विल बी प्लेइंग इट विथ योर फैमिली, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही खेलोगे ना इसे। उसके बाद आपको ये लेना है क्ले, अगर आपके पास क्ले नहीं है तब अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आटा होता है ना, आटा मम्मी गूंथती है जैसे गोल गोल रोटियां बनाती है, उससे भी आप लोग ये बना सकते हो स्माइली फेसेस, राइट?
और बाद में हम आपको क्ले बनाना भी सिखा देंगे। एंड इस वाली पोएम की आपको क्या करनी है, वीडियो बनानी है विथ एक्शंस और मुझे सेंड करनी है। आप मुझे अपना होमवर्क किस पर भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी या फिर गूगल क्लासरूम पे भी या कमेंट में भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अभी जब तक क्लासेस नहीं लगती हैं ऑफलाइन मोड में, तब तक ऑनलाइन क्लासेस यहीं पर ही होंगी इंग्लिश की और ईवीएस की, राइट बच्चों। थैंक यू बच्चों।